जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जी हां दोस्तों, मान लीजिए आपकी पत्नी आना चाहती है, आपको लगता है कि यार आपकी पत्नी आना चाहती है, लेकिन उसका भाई माँ पापा वो लोग उसे बंदिश कर रहे, एक तरह से रोक रहे हैं कि तू नहीं जाएगी, हम तो दामाद को पैर की जूती मतलब नाक रगड़ा के छोड़ेंगे, आएगा माफ़ी मांगेगा पैर पड़ेगा तभी लेके जाऊँगा। उस सिचुएशन में पति क्या करे, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती, काफ़ी पतियों के होते हैं। और कुछ भारतीय संस्कृति में से होते हैं 10-5% वायरस भी होते हैं कि शादी कर दिया हमने, पैसा भी लगा दिया, अब वो पैसा लगाए वो अपनी बेटी की खुशी के लिए लगाए, लेकिन वो उसी बेटी का घर बिगाड़ने में लग जाते हैं। कहीं माँ बाप होते हैं, ठीक है भाई, तुम लोग ये कहते हो कि हमने शादी में 10-20 लाख लगाए, तो भाई तू आप आपकी बेटी के लिए लगाए हो, आपकी बेटी की अच्छी शुभकामना के लिए लगाए हो, अच्छा घर बसे उसके उस चीज़ के लिए लगाए हो। और आजकल ये 10 या 20 लाख रुपए जो देते हैं ना, उसका मैं क्लियरिटी आपको बता देता हूँ कि उनमें से उनकी बेटी कहती है हमको तो डबल बेड चाहिए, हमको तो डबल फ्रिज चाहिए, स्टाइल से कूलर नहीं एसी चाहिए, वो खुद ही तय करके लेके आती है आजकल तो सामान, खुद उनकी बेटी सामान तय करके लेके आती है, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए सब कुछ। और उसके बाद फिर हो जाते बंदिश, रोक लेते पत्नी जब भी जाएगी उसके बाद रोक लेंगे, और आ नहीं रही उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। पति के पास कहीं भी एडवाइस लेने जाएगा पति, तो एक ही ऑप्शन होगा पति के पास कि आप एक काम करिए सेक्शन 9 कर दीजिए, भाई सेक्शन 9 कर दीजिए, यही ऑप्शन होता है। और क्या करेगा पति भाई, लाना है या तो लीगल नोटिस भेजिए या सेक्शन 9 कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत तरीका बताता हूँ कि फालतू के खर्चे करने से आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन देता हूँ मैं। देखो सेक्शन 9 करने से कई लोगों की गलत फहमी होती है, उसको अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो आप बताइए कि जैसे उसे बंदिश कर रखे हैं, अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, डेफिनेटली क्या करना चाहिए भाई, उसमें आपको एक हेबिस कॉर्पस नाम से एक रिट होती है 226 आर्टिकल में, एक रिट होती है मतलब 226 हेबिस कॉर्पस होती है, 226 आर्टिकल हाई कोर्ट में लगती है, याद रखिए जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट के हाई कोर्ट में लगेगी, ठीक है। हाई कोर्ट में वहाँ से एक रिट लगाओगे तो आप उनके पास नोटिस जाएगा, और पत्नी और उसके माँ बाप जो भी बाउंड कर रहे हैं उनको तुरंत वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। संबंध संबंध पे ना आए तो वारंट, वारंट नहीं है तो गिरफ्तार वारंट जाएगा, आपको डरना नहीं है, तुरंत आएंगे, लाना ही पड़ेगा जो भी चीज़ है उनकी, वह बेटी को क्यों रोक रखे हैं, किस कारण से बंदिश बना रखे हैं, क्या कारण है, बिल्कुल पूरी चीज़ बताना पड़ेगा उनको। उनको अगर रखना है रिश्ता तो भेजना पड़ेगा बेटे को उस कंडीशन में, नहीं रखना तो डिवोर्स अप्लाई कराएगा कोर्ट में, जाइए फैमिली कोर्ट में डिवोर्स अप्लाई कीजिए, साथ का साथ डिवोर्स दूर कर लीजिए, ये सिचुएशन हो जाएगी दोस्तों। तो आप सेक्शन 9 का खर्चा, लीगल नोटिस का खर्चा ही फालतू के खर्चे करने में क्या फ़ायदा है, आपके पास ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है हैबिस कॉर्पस आर्टिकल 226 में जाइए, एक रिट लगाइए और माँ बाप को आइए, जो भी बात है क्लियर करेंगे, सामने आने दीजिए, जो भी बात है रखिए भाई, आप क्यों सेक्शन 9 का खर्चा कर रहे हो, फालतू का खर्चा कर रहे हो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, छोड़िए इनको।